कौशिक की धुन वही है, मैटर चेंज है, मैटर चेंज है बेटा। अब हम लोग क्या करें, क्या करें बंका, धुन एक है तो मैटर दो चार बनाने पड़ते हैं। चाचा जी सुनेगा, आशीर्वाद चाहूंगी, सुनिएगा। के तौबा तौबा बेटे। 501 पद मुद्राओं की ये भारी भरकम राशि आपकी ओर से आई है, धनराशि आपकी ओर से आई है। क्या बात है बेटे? श्री संतोष पटेरिया जी तिदनी निवासी आपकी ओर से ये 501 पद मुद्राओं का जय हो। जजमान, अच्छा आप जजमान जी हैं, 501 पद मुद्राओं का भारी भरकम आशीर्वाद है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। जय हो बेटे, जय हो। धन्यवाद है, मैं भी नमन कर रही हूँ संतोष भैया को। हेलो भैया, इसको बढ़ाइए, बढ़ा दो भैया। हेलो, बेटियों के सम्मान में कुछ लाइनें सुनिएगा। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। क्या करती है सत का सम्मान, आराम से बेटे, आराम से सुनो, आराम से, आराम से बेटे, आराम से, आराम से। जय हो भोले बाबा की, जय हो। बेटा हल्की उम्र है, आराम से बेटा, चेंजेस के हिसाब से। क्या करती है सत का सम्मान नारियां भारत की, क्या बात है बेटे, बहुत सुंदर, वाह।
और क्या करती हैं? क्या कि सत पर दे देती है जान नारियां भारत ए सवास जुड़े यहाँ भारत की बात है वाह, और जहाँ भारत की बात आ जाए वहाँ हम सब एकजुट हैं। बहुत अच्छे। कैसे? अरे भारत में नारी को कहते पावन शक्ति स्वरूपा के अर्ची अपाला अरुंधति और अनसुईया जिसके चरणों में झुकते हैं देव तनुज सुर भूपा सुनो नारी के चरणों में देव तनुज सुर भूपा बहुत ज्ञानी बिटिया है बहुत ज्ञानी नारियों को सिर झुकाते हैं देवताओं के राजा इंद्र भी अरे जिसके चरणों में झुकते हैं देव तनुज सुर फूपा अरे सती सांडली सावित्री ने कर दिया काम अनुपा सती सांडली सावित्री ने कर दिया काम अनुपा कि यम से ले लेती पति प्राण सती सांडली महान नारी नर्मदा सावित्री ये सब महान नारियां हैं लो बेटे आशीर्वाद लो चाचा से और ये मैं क्या बखान करूं ये ढेर सारा आशीर्वाद स्नेह हमारे चाचा जी की तरफ से आया है जय हो लो अच्छा हमारे चाचा श्री देवेंद्र तिवारी जी आपकी ओर से आया है जय हो और ये भी हमारे चाचा श्री देवेंद्र तिवारी जी आपकी ओर से आया है जय हो धन्यवाद है ये ढेर सारा आशीर्वाद पुष्पहार और लो क्या बात है लो। और हमारे चाचा श्री देवेंद्र तिवारी जी उर्फ पप्पू भैया क्या बात है आपकी ओर से ये बार बार आशीर्वाद आ रहा है आपका मैं आशीर्वाद आपसे लेना चाह रही हूँ चाचा जी जैसे बेटा कि यम से ले लेती पति प्राण विश्वास करता हूँ बिल्कुल कि आएगी अगर कोई नारी छूटी है तो आएगी अब देखिए अरे सत्यवती सतरूपा से
हूँ बेटा, मानोगे नहीं? ना मानोगे? हाँ। के सत्यवती सतरूपा से नर सृष्टि है सुपुनीता, और आयत्री मैत्री गार्गी पति की परम पुनीता। शाबाश, धन्यवाद दादा। आयत्री मैत्री गार्गी पति की परम पुनीता। गार्गी की कहानी मैंने कक्षा 8 में पढ़ी है। बहुत अच्छे बेटे, कुछ गुरु बता रहे हैं। जिसको स्वयं दाग था, सभी ने कहा इनको त्याग दो, लेकिन पति ने कहा क्या, ये मेरे जीवन की संगिनी है, ये मेरी धर्म पत्नी है, ये मेरी अर्धांगिनी है, और अर्धांगिनी का मतलब होता है आधा अंग, भला मैं कैसे त्याग सकता हूँ। और देखिए, सासी परम सती पति ऋतु ध्वज की परिणीता, तोरा धार कुमुड़ कुंती द्रौपदी रघुनायक की संग करती वन प्रस्थान। क्या पति संग, ये मिसाल है। आज आज आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, जरा जरा सी बात पर परिवार टूट रहे हैं, संबंध टूट रहे हैं। ऐसी नारियां मिसाल हैं। चाचा जी ध्यान दें। के पति संग करती वन प्रस्थान, पति संग करती वन प्रस्थान बेटा, मानोगे नहीं? ना मानोगे। सभ्य समाज और सुनने वाले श्रोता हैं, मैं ये समझती हूँ कि मुझसे बहुत ज्यादा विद्वान आप सब लोग हैं, त्रुटि मुझसे तो हो सकती है लेकिन आप लोगों से नहीं। तो एक एक लाइन को सुने आप। बेटा प्यास लगी क्या? शाबाश बेटे, पानी पिलो, बच्चे कम बजाओ, पानी रोले। चाचा जी ध्यान दें। के दुर्गा जी जा कर्मवती सी झलकारी मर्दानी, और मीरा बाई ताजो बेगम कान्हा की दीवानी। अरे दुर्गा जी जा कर्मवती सी झलकारी मर्दानी, और क्या उदा देवी अवंतिका और झांसी वाली रानी, उदा देवी अवंतिका और झांसी वाली रानी, और ज्ञान की ज्योति जलाने वाली रत्नावली सयानी। जिस समय तुलसीदास जी पहुंच गए ससुराल, अरे उन्होंने न जाने ससुराल पहुंचने के लिए क्या क्या किया, मुर्दे को सवारी बना के निकल गए उस पार, और जब घर पहुंचे तो सोचा कोई जगह ना चुपके से ऊपर चढ़ जाए, और देखा रस्सी लटक रही है, वो रस्सी नहीं सांप था। बड़ी दिक्कतें
छेले नहीं भैया, फरा बिटिया और चढ़ गए पकड़ के अटरिया पे तो, और जब चढ़ गए तो रत्नावली ने फटकारा, अरे अरे तुम इस काया के लिए यहाँ आ गई, तुम यहाँ गए बोलो, अरे अगर इतना प्रेम तुम्हें रघुवाई से हो तो तुम्हारा और तुम्हारे साथ मेरा भी जीवन सफल हो जाएगा, तुम्हारे साथ मेरा भी जीवन सफल हो जाएगा। आपकी इन तालियों के लिए बारंबार प्रणाम है और बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। उदा देवी अवंतिका और झांसी वाली रानी, तो आशीर्वाद चाहूंगी कि सत्ता में रजिया सुल्तान, केवल यहाँ तक ही नहीं सत्ता में भी राजनीति में भी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश, कि सत्ता में रजिया सुल्तान नारिया, बढ़िया गीत आपकी ओर से आया है। आया बेटे, गाया फिल्मी दुनिया वालों ने, हालांकि ज्योति जी मैं भी कभी कभी गलती कर जाती हूँ, और गलती कभी कभी क्या, मैं तो हर बार गलती ही करती हूँ, लेकिन जब आपने कहा है कि आप बड़ी बहन हैं, नगाड़ा सज गया है अखाड़ा, नगाड़ा बज गया अखाड़ा सज गया है, आपको ये राग नहीं आएगा। अच्छा। ओ जब बड़ी बहन हूं तो ज्योति जी जब भी कोई गीत गाइए, हालांकि हम लोग उतना तैयार नहीं कर सकते जितना फिल्मी दुनिया वालों ने किया है, लेकिन कोशिश जरूर करिए, आप अपना घर का गीत गाइए तो उसको पहले मेहनत करिए घर में, आइए लेकिन सुनेगा बिल्कुल बेटे, कि तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के, ये जियो बेटे, मेरी जान घुंघरू पायल के, घुंघरू
गा दिया, जबकि आपके ये घर का गीत है, आपने अंतरे का प्रयोग तो किया ही नहीं। बिल्कुल बेटे। और इन ज्ञान पत्र मुद्राएं हमारे बड़े भैया भैया श्री अशोक मिश्रा जी, आपका स्नेह हम बच्चों पर रहता है और सदैव आपसे इसी स्नेह की कामना कर रही हूँ। इन ज्ञान पत्र मुद्राएं हमारे भैया अशोक भैया जी के लोग भेंट है, अशोक भैया जी के द्वारा अशोक भैया को भेंट है, नमन है, सुनेगा। जय हो पंडित जी, आपस में ले दे रहे हैं। ज्योति जी देखिए इसका अंतरा कैसा है, प्रयास मैं भी कर रही हूँ कि कैसे कोई भेद छुपाए। वीरेंद्र नादान जी, आपके करकमलों से इक्यावन पत्र मुद्राएं भेंट हैं, और ये हमारे जो वीरेंद्र भैया हैं, ये भी बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे कीर्तनकार हैं, आपकी ओर से इक्यावन पत्र मुद्राएं भेंट है, बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन इसमें एक टुकड़ा और लगा है कि जब छन के ये बजी उठते जब बजते हैं बज उठते हैं, पग में कांटे से चुभते हैं। लेकिन देखिए उसका कोई मतलब नहीं है, आइए अपना जवाब सुनेगा कि तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के, एक दिन लेंगे मेरी जान घुंघरू। अरे सम्मानी श्री पंडित श्री हमारे बड़े भाई रमेश तिवारी जी और बड़े भैया पंडित श्री सुनील तिवारी जी, आपके माध्यम से इक्यावन पत्र मुद्राएं बार बार लगातार ये स्नेह आ रहा है, मैं आजीवन यही स्नेह की कामना करूंगी। बड़े भैया रुपया पैसा को तोला जा सकता है लेकिन स्नेह की कोई असीम कृपा होती है। आइए मुद्राएं हमारे माननीय सम्मानीय बड़े भैया भैया श्री शिवपुरिया
ठाकुरिया जी के माध्यम से भेंट हुई है। वास्तव में बड़ भैया मैं इनका परिचय क्या कराऊं, ये तो फिल्मी दुनिया से ताल्लुकात रखते हैं, बहुत ही अच्छे गायक हैं। आपके माध्यम से 201 पत्र मुद्राओं का स्नेह भेंट हुआ है, आजीवन स्नेह की कामना कर रही हूँ। सुने सुने कि यम से ले लेती है प्राण कि यम से ले लेती है प्राण नारियां भारत की। सवाल आया है और ज्योति जी आपने ये भी कहा कि जो नारियां छूट रही हैं वो आप लाएंगे, जो नारियां छूट रही हैं वो हम लाएंगे। दादाजी जरूरी नहीं है जवाब नारियों से ही मिला जाए, क्योंकि भारत भूमि है, अगर आपसे वो आपने नारियां गाई हो दो चार छूट गई हैं तो हम क्यों लाएं, क्योंकि मंच पर प्रयास करना चाहिए। आइए देखिए, भारत में केवल नारियां महान नहीं है, भारत देश ही महान है, तो जो इस देश में जन्मा है वो हर जीव महान है। आइए सुनिए, हम खुद महान है कि ऐसे होते हैं गुणवान बेटे भारत के। देखिए यहाँ बागेश्वर महाराज जी के दर्शन भी हुए तो वो भी भारत में जन्म लिए, राम कृष्ण ने भी भारत में जन्म लिया, और ये देश ही तीर्थ है। तो कहना कि ऐसे होते हैं गुणवान बेटे भारत के, तपस में कर लेते भगवान बेटे भारत के। बंदनिये सारी दुनिया में है भारत के बच्चे, तो मन में कोई मैल नहीं है बच्चे मन के सच्चे, तो पस में कर लेते भगवान बेटे भारत के। और यही देखा है सुना है भी किए हैं, बागेश्वर महाराज जी के दर्शन भी किए हैं, तो कहना कि बस में कर लेते भगवान बेटे भारत के। बहुत बहुत धन्यवाद है, कुछ लोग जेब में हाथ डाले बैठे हुए। अब देखिए बड़े भैया, जब ध्रुव की माता ने अपमान कर दिया ध्रुव का, पिता की गोद से उठाकर पटक दिया, अगर तुझे पिता की गोद में बैठना है तो मेरे उधर से जन्म ले। वो जब इतना सुना तो कहना पड़ा क्या बड़े, जब पिता का प्यार न पाया। माता के पास पहुंचा तो माता
समझाने लगी। जब पिता का प्यार न पाया रोता माँ के पास है आया, वन में जाकर कठिन तपस्या बालक ध्रुव ने ठानी। क्या बात है, कितनों ने समझाया पर ना बात किसी की माने, तो पाते अंबर में स्थान बेटे भारत। क्या बात है, क्या सभी लोग जानते हैं ध्रुव तारे के रूप में चमक रहे हैं, तो पाते अंबर में स्थान बेटे भारत के, रखते धर्म पर ईमान बेटे एक टुकड़ा और सुनिएगा बहन जी। देखिए, जब प्रह्लाद पिता को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, भगवान के रूप में पिता पिता है, लेकिन जब वो भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि आप नारायण हैं, तो हुआ क्या? जब पिता ने था ठुकराया श्री हरि से, जब पिता ने था ठुकराया तो श्री हरि से नेह लगाया, आग में लेकर बैठी होलिका ईश्वर मती है डोली, तो जली है आग में गई मनाई, कि जली है आग में गई मनाई होलिका जब जब देश पे संकट छाए तो सीमा पे प्राण गवाए, जो हमारे सैनिक भाई हैं वो धन्य धन्य है तन मन उनका, धन्य धन्य है तन मन उनका, धन्य है उनकी गाथा। तो सर्वप्रथम वंदन कर माने टेका अपना माथा, ऐसे पुत्र को माँ भी नमन करती है कि सर्वप्रथम वंदन कर माने टेका अपना माथा, तो होते सीमा पर
बस में का